अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप सबको आ रहमान पुर्स में मेरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा रहमत के साए में रखें। आज अल रहमान पुर्स में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार ईरानी पुलाव। आइए झटपट से मज़ेदार सा ईरानी पुलाव तैयार करते हैं। जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से झटपट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। आइए मज़ेदार सा ईरानी पुलाव तैयार करते हैं। व्यूवर्स, मज़ेदार से ईरानी पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए एक अदद बर्तन। बर्तन में शामिल करूँगी हाफ कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूवर्स, ऑयल जो है गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें छोटी मीडियम साइज की प्याज शामिल करूँगी चॉप की हुई। जी व्यूवर्स, प्याज को हमने लाइट गोल्डन फ्राई करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइस, ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया, होल धनिया है मेरे पास 1 टेबल स्पून, बादियान के फूल 2 अदद, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा 1 अदद, लौंग 5 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 2 अदद और 2 अदद में कड़ी पत्ता है। और इसको हम तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जी व्यूवर्स, अब इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। जी व्यूवर्स, अब इसमें मैं ऐड करूँगी स्लाइस में कट किए हुए 2 अदद टमाटर। जी व्यूवर्स, अब इसमें मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिली पेस्ट, 10 अदद सबस मिर्च चिली, और उनको मैंने ब्लेंडर में अच्छे तरीके से ब्लेंड किया। जी व्यूवर्स, अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक 2 टेबल स्पून, काली मिर्च कुटी हुई काली मिर्च है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जी व्यूवर्स, अब इसमें ऐड करूँगी आलू बुखारा और इमली, हम वजन है दोनों। जी व्यूवर्स, मसाला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी में इसमें ऐड कर रही हूँ 4 ग्लास, क्योंकि मेरे पास पक्की बनस्पति है चावल और वो मेरे पास 2.5 ग्लास है। पानी को हमने बहुत अच्छे तरीके से पकने देना है। जब पानी अच्छे तरीके से पक जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे चावल। व्यूअर्स, पानी जो है बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अब हमने इसमें ऐड करनी है राइस। राइस मेरे पास 2.5 ग्लास है, यानी कि 2.5 ग्लास मेरे पास है और ये पक्की बनस्पति है, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, इनको हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इस पर लिड दे देंगे ताकि जो हमारी राइस है बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाए। जी व्यूअर्स, चावल जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। अब हम इनको लगाएंगे दम। दम लगाने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे नट्स। मूँगफलियाँ हैं मेरे पास, पीनट है, ऑलमंड, बादाम है, पिस्ता है, काजू है और खजूरें हैं जो मैंने कट की हुई हैं। और इसमें ऐड करूँगी मैं किशमिश, 1/2 कप मेरे पास किशमिश है। और जो तवा है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसे तवे पर रख कर दम करेंगे और लिड को हम इसके टी टॉवल से कवर करेंगे। और टी टावल को बिल्कुल भी हमने ढीला नहीं करना। जी व्यूअर्स, पैन को मैंने तवे के ऊपर रख दिया है और हम इसको अब अच्छे तरीके से दम करेंगे और टी टावल को साथ मैंने लिड को कवर कर दिया है। अब तकरीबन इसे 7 से 8 मिनट लगेंगे दम को। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया है। वाओ माशाल्लाह, हमारा ईरानी पुलाव जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। आइए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। वाओ मज़ेदार, इतने मज़े का ईरानी पुलाव तैयार हो गया है झटपट से। आप भी इसी तरीके से, इसी मेथड से अपने घर में मज़ेदार सा ईरानी पुलाव बनाएं और मज़ा कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको आफियत वाली ज़िंदगी अता करें, दोनों जहाँ की ढेरों खुशियाँ अता करें। अल्लाह ताला आप सब पे अपना ख़ास करम करें। मुझे भी हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी बहुत ही आसान और झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी के साथ इंशाल्लाह।
जिन व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से झटपट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।